हलवाई की दुकान। कितनी अजीब बात है, जिंदगी भर मेरी तमन्ना रही कि कोई मुझसे सीधी बात करे, मैं उसे सीधा और साफ जवाब दूं। लेकिन अब जब अनवर ने मुझसे दो टोक और खुली बात की है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। सुबह से सोचों में पड़ी हूं, सोच सोच कर हार गई, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मेरी कैफियत उस पंछी की सी है जो साल हा साल रख रखाव के पिंजरे में आज़ादी की तमन्ना में तड़पता रहे, लेकिन जब पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाए तो खुद में उड़ान की ताकत ना पाए। दरअसल अनवर की सीधी बात सुनकर मेरे जहन का फ्यूज़ उड़ गया। कैसे ना उड़ता, जिंदगी भर कभी सीधी बात ना सुनी थी। घर वाले हमेशा जलेबियाँ तलते रहे, जवानी रास्ता तलाश करो की भूल भुलैया में बीत गई। हर बात सुनकर सोचती, पता नहीं बात का दूसरा रुख क्या है। हर बात मेरे लिए जादू का पटारा होती, पहले खाली पटारा दिखा दिया जाता, फिर जब बात खुलती तो उसमें से फुर्र कबूतर उड़कर बाहर आ जाता। खाली पटारों से इतने कबूतर उड़कर बाहर निकलते देखे, इतने कबूतर कि मैं समझने लगी जब तक अंदर कबूतर ना हो पटारा खाली हो ही नहीं सकता। मुझे पता है कि अनवर की बात में कोई छलबल नहीं, फिर भी मैं कबूतर की मुंतजिर बैठी हूँ। कितनी बदनसीब हूँ, मेरी कहानी बड़ी आम सी है, सिर्फ मेरी ही नहीं खाते पीते घराने की हर जवान लड़की की है। मेरा नाम सानिया है, मैं कोई खदो खाली लड़की नहीं हूँ, मतलब ये कि दहन छोटा है, थोड़ी निकलते ही ख़त्म हो जाती है। आँखें कश्तियाँ नहीं बंटों की तरह गोल है, नाक छोटी होंठ लटका हुआ, बीड़ ऊंचा और रंग सफ़ेद क्या गंदमी भी नहीं, शुद्ध सांवला। लेकिन खदोखाल कौन देखता है, आजकल खुदादाद हुसन के दिन ख़त्म हुए। अंग अंग में शोखी हो, हरकत में तड़प हो, जिसम में पारा भरा हो, बस मार लिया मैदान, और अगर बात में बेतकल्लफी भी हो, झिझक ना हो तो क्या बात है। जिस घर में मैंने परवरिश पाई वो सिर्फ खाता पीता ही नहीं था बल्कि कम्फर्ट्स ही कम्फर्ट्स, बस झील में कंवल उगे हुए थे। साजो सामान की कोई हद ना थी, काम काज की मुसीबत से छुट्टी, नौकरों की एक टीम थी, बस एक ही बंदिश थी, रख रखाव की बंदिश, वो भी अकेले में नहीं, भई नौ दौलतिए जो थे, कोई आ जाता तो बंदिश ही बंदिश, यूं हैलो करो, यूं बैठो, यूं देखो, यूं बात करो, मतलब ये कि खुद को प्रेजेंट करो, चीनी की प्लेट में रख के दूसरे के सामने पेश करो। चीनी की प्लेट में रख कर पेश करने के फन में अम्मी को कमाल हासिल था, वो बातों की ऐसी जलेबियाँ तलती कि हद नहीं, बिल्कुल ही हलवाइन थी। बातों के हार परोते हुए ऐसी ऐसी कलियां टांग जाती कि मैं शशदर रह जाती, दो एक मिनट खुद को संभालने में लगते। अम्मी को मलकियतें गनवाने का बड़ा शौक था, उन्हें ये बिल्कुल गवारा ना था कि दूसरा बढ़ चढ़ कर बात करे। जमींदारे की बात चल निकलती तो अम्मी जट से किसी दूर दराज मकाम पर अपने चार मुरब्बे याद कर लेती। हाँ बहन, जमींदारे की मुसीबतों की हद है कोई, अपने चार मुरब्बे तो खैरपुर के करीब हैं, हमारे लिए दर्दे सर बने हुए हैं, कौन हर महीने इतनी दूर जाकर उनकी देखभाल करे। वलायत में ऊंचे हदों पर फायज रिश्तेदारों की बात छिड़ जाती तो अम्मी जट से एक आयल इंजीनियर इख्तरा कर लेती, जिसे तेल कंपनी ने हाथ जोड़कर अमरीका में रोका हुआ था, इस डर के मारे कि अगर वापस वतन चला गया तो कंपनी का भट्ठा बैठ जाएगा। नहले पे दहला मारना अम्मी का मन बाता मशगला था, लेकिन वो खाली जलेबियां ही नहीं तलती थी, इस बात का भी ख्याल रखती थी कि उनका कड़ाका हो, ऐसा जैसे रेवड़ी में होता है। अब्बा का तरीका ज़रा मुख्तलिफ था, वो बड़े बड़े नहीं हाँकते थे, मलकियत नहीं जताते थे, उनकी बात में एक अजीब किस्म का इज्ज था। मैं तो कुछ भी नहीं, वो इस अंदाज से अदा करते कि सुनने वाले को लगता जैसे सभी कुछ हों, लेकिन तबई इज्ज की वजह से जाहिर करने से गुरेज करते थे।
इमलाक की बात होती तो मुस्कुराकर कहते, जनाब इमलाक तो शानों पर पड़े बोझ के मुस्ताक है, जो आन पड़ा है वो ही नहीं उठाया जाता, मजीद की तमन्ना कौन करे। खाली इज्ज ही नहीं, अब्बा में इस्लाम का रंग भी नुमाया था, कोई आ जाता तो उनका इस्लाम शिद्दत से उबरता, यूं जैसे आंच तेज हो जाए तो दूध में उबाल आ जाता है। वो मसले नहीं करते थे, बहस नहीं छेड़ते थे, ना ही तलकीन करते, अव्वल तो बात में जगह जगह मुनासब मुकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह की कलियां टांगते रहते, सुनने वालों को गुमान होता कि सुराते मुस्तकीमी हैं, मगर हैं गुप्त बरमला, इजहार गवारा नहीं, याद हक दिल में रहे के मुस्ताक। बहर सूरत अम्मी अब्बा दोनों ही हलवाई थे, जलेबियां तलने में ताक, बातों के धनी, असर डालने में मुश्ताक, अम्मी बात बढ़ा चढ़ा कर असर पैदा करती, अब्बा इज्ज का पर्दा डालकर अपनी अजमत का जादू जगाते। बात के पसे पुश्त सिरात मुस्तकीम का ऐसा दौरा बजाते कि तवज्जो बोल से हटकर ताल पर मरकूज हो जाती। बचपन में तो ये जलेबियां तलने का शुगल मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचती कि मैं भी कोई अपना मुनफरद अंदाज अपनाऊं और लोगों की तवज्जो लूट कर ले जाऊं। लेकिन जल्द ही जब मैं जवान हो गई तो हलवाई की दुकान में एक नया रंग उभरा। वैसे तो घर में मुझे मुकम्मल आज़ादी थी, लेकिन अगर मैं किसी क्लास फैलो की बात करती तो अम्मी के कान खड़े हो जाते, झट पूछती किसका बेटा है वो, बाप क्या काम करता है। इस पर मैं बहुत हैरान होती। उस रोज़ अनवर मुझे नोट्स की कापी देने आया तो अम्मी पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ गई, यूं उसे देखने लगी जैसे लेबॉरेटरी में कीड़े को खुर्दबीन के नीचे रख के देखते हैं। फिर उस पर सवालात की बुछाड़ कर दी, तेरे अब्बा क्या काम करते हैं, अफसर हैं या जमींदार हैं। अनवर बेचारा बुखला गया, वो तो एक बेवा का बेटा था जो मेहनत मजदूरी करके उसे तालीम दिलवा रही थी, अम्मी की बातों का क्या जवाब देता, बेचारा बुखला गया। इधर मैं हैरान कि वो तो मेरी रिक्वेस्ट पर नोट्स की कॉपी देने आया है, ये अम्मी उसका हसब नसब क्यों पूछने लगी। जब वो चला गया तो अम्मी ने मुझे पास बिठा लिया, बोली ऐसे लड़कों को मुंह ना लगाया करो। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा अम्मी वो तो हमारी क्लास का फर्स्ट डिविजनर है। पढ़ा हो, अम्मी ने जवाब दिया, तुमने क्या मुकाबले के इम्तिहान देना है। उस वक़्त तो बात मेरी समझ में ना आई, फिर एक ऐसा वाकया पेश आया कि बांडा फूट गया। हुआ यूं कि हमारे साथ वाले बंगले की ग्रीन कॉटेज में नए किरायादार आ गए, किसी तेल कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके आते ही ग्रीन कॉटेज का हुलिया बदल गया, सारे घर में मोटा कारपेट बिछ गया, कमरों में, गैलरीज में, सीढ़ियों में, हर जगह डेकोरेशन पीसेस रख दिए गए। सिटिंग रूम की एक दीवार पर कद दीवार स्विट्जरलैंड का एक मंजर पेस्ट कर दिया गया। ड्राइंग रूम में अनोखे पर्दों के गमले रख दिए गए। घर में सिर्फ तीन अफराद थे, मिस्टर एन अनायत, उनकी बेगम आमना इनायत और उनका इकलौता बेटा एन। नए पड़ोसियों के आते ही गोया हमारे घर में भी इनकलाब आ गया। अम्मी अब्बा जो कभी एक साथ ना बैठे थे, कान से मुंह लगा लगा कर बातें करने लगे। उनकी सरगोशियों का अंदाज़ा ऐसा था जैसे लव बर्ड्स हों। या अल्लाह ये क्या हुआ, मैं तो हैरान रह गई। क्या वक़्त का दारा उल्टा बहने लगा। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो कौन सा मौजू है जिस पर दोनों हैंड एड ग्लो बने बैठे हैं। कई एक बार मैं उनके सर पर जाकर खड़ी हुई, मगर बेकार, मेरी आहट सुनकर वो चुप हो जाते और फिर बात बदल देते। सिर्फ यही नहीं, हमारे घर में कई एक और तब्दीलियां भी अमल में आईं। नई सजावटें, नए कलीन, नए पर्दे। अम्मी तो गोया आमना अनायत पर बिक गईं, हर वक्त आमना के तज़करे, उसकी तारीफें। है कितनी खुशी खलाक खतून है, सलीका तो इस पर ख़त्म है। फिर वो दफातन आंटी बन गईं। अम्मी ने ग्रीन कॉटेज के फेरे लेने शुरू कर दिए, इतने ताल्लुकात बढ़ाए कि तकल्लुफात सिमटते गए। घर में कोई चीज़ आती, आंटी का हिस्सा अलग कर दिया जाता। अच्छी चीज़ पकती तो पहले आंटी को चखाई जाती, हर महीने आंटी की दावत का एहतमाम किया जाता। खैर अम्मी को तो आदत थी कि जिस पर रीझ गईं उसे माथे पे लटका लिया।
जहां तक अम्मी का सवाल था वो तो खैर ठीक था, दिक्कत ये हुई कि अम्मी ने मुझे बार बार आंटी के हाँ भेजना शुरू कर दिया। सानिया जरा आंटी से ये पूछाओ, सानिया जरा आंटी को ये दे आओ, सानिया जरा देखो तो आंटी फारग है। हैं सानिया, तू सुबह से आंटी की तरफ नहीं गई? मैं हैरान कि मुझे बार बार आंटी के पास क्यों भेजा जा रहा है, बात समझ में ना आई। फिर एक रोज़ बिल्ली फुदक कर थैले से बाहर निकल आई। उस रोज़ मैं और अम्मी दोनों बाहर प्लाट में बैठे हुए थे। अम्मी कुछ बुन रही थी, मैं पढ़ रही थी। ग्रीन कॉटेज की तरफ से मोटर स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मैंने उधर देखा, आंटी और अंकल मोटर में कहीं बाहर जा रहे थे। कुछ देर के बाद अम्मी ने सर उठाया, बोली, सानिया ज़रा आंटी से कन्फर्म करके आओ कि आज शाम फिल्म का प्रोग्राम कायम है ना। मैंने हैरत से अम्मी की तरफ देखा। मैंने कहा, अम्मी आंटी और अंकल तो अभी अभी बाहर गए हैं। अच्छा, वो बोली, तो फिर क्या है, ऐन तो घर पर ही है, उससे कन्फर्म कर लो। दफ़तन कड़ाही में जलेबी शू शू करने लगी। अच्छा, तो मुझे गुलाब जामुन बनाकर चीनी की प्लेट में रख के ऐन की खिदमत में पेश किया जा रहा है। दफ़तन मेरी आंखों से पर्दे हट गए। बिल्ली थैले से बाहर निकली तो क्या देखती हूँ कि कड़ाही जलेबियों से भरी हुई है। सानिया, तू ज़रा ऐन के पास बैठ, मैं अभी आई। बेटी, पढ़ाई में कोई मुश्किल हो तो ऐन से जाकर पूछ लिया कर, एमए है वो। तेरी आंटी कहती है हमेशा जमात में फर्स्ट डिवीजन लिया करता था। बीती हुई बातें एक एक करके सामने आ खड़ी हुई। अरे तो क्या ये सब नए डेकोरेशंस, गलीचे, पर्दे मेरी ही वजह से बदले गए थे? ये सारा अरेंजमेंट मुझे ऐन की झोली में डालने के लिए है। और फिर अम्मी अब्बा की सरगोशियाँ। उस रोज़ हलवाई मेरी निगाह में बिल्कुल नंगे हो गए। अगर मैं खदोखाली लड़की होती तो चुपके से गुलाब जामुन बनकर प्लेट में सज जाती। मुश्किल ये है कि मैं सेल्फ मेड गर्ल हूँ। खुदादाद हुसन पर तकिया नहीं किया, बड़ी मेहनत से खुद में जाज़बियत पैदा की है, और जोरे जो जोरे बाजू से बनी हो। और वो गुलाब जामुन नहीं बन सकती, वो झोली फैलाने के कायल नहीं होती। अपने हाथ से तोड़कर खाना पसंद करती है। अगर मैं चाहती तो ऐन बेचारे की क्या हैसियत थी, ऐसा लश्कारा मारती कि शुद्ध बुद्ध मारी जाती। ऐसी जलेबी बुनती जिसे देखकर उम्र भर मुंह से राल टपकती रहती। लेकिन मुझे ऐन पसंद ना था। बद्दा सा जिसम, मीडियाकर जहन, इन इन्फ्लुएंस ज़्यादा बेहिसी, बिल्कुल ही बढ़ावा नज़र आता था। उसे तो एक गोरी चिट्टी खदोखाली लड़की चाहिए थी जो हर वक्त रजामंदी भरी मुस्कुराहट मुस्कुराती रहे, बन सज कर बैठी मियाँ का इंतज़ार करती रहे। वो तो शुक्र है चंद ही दिनों में ऐन का भेद खुल गया कि वो रोजी के घर आता जाता है। रोजी के घर को अम्मी अच्छी तरह जानती थी कि वहाँ जो जाता है फिर लौट कर नहीं आता। रोजी की एक नहीं चार जवान बेटियाँ थीं। चीनी की प्लेट में चार गुलाब जामुन। यूं ऐन का कजिया ख़त्म हुआ। फिर दफातन मंजर बदला। पड़ोस में चौधरी साहब आ बसे। बैठे बिठाए अब्बा को शिकार का शौक चढ़ाया। उन्होंने एक बंदूक खरीद ली और चौधरी साहब के साथ बकायदा शिकार पर जाने लगे। घर में शिकार का गोश्त आने लगा। फिर डाइनिंग रूम में हिरन के सींग आवेज़ा हो गए। एक ऊंचे स्टूल पर भुस भरा उकावा बैठा। नीचे कारपेट पर शेर की खाल बिछ गई। मैं तो हैरान रह गई, ये क्या हुआ? बावर्ची खाने की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखती हूँ कि चूल्हे पर मिट्टी की इतनी बड़ी हांडी पड़ी है, कोने में दही बलोहने की चाटी रखी हुई है, और अम्मी नौकर जिससे भैंस खरीदने के मंसूबे बांध रही हैं। लो, यक न शुद्ध दो शुद्ध। फिर उस काया पलट का भेद खुलकर सामने आ गया। चौधरी साहब और चौधरायन हमारे घर खाने पर आ गए। मेज़ पर साबत माश, गोश्त की कढ़ाई पाए, रस की खीर और सरसों का साग मक्खन के पेड़े के साथ सामने आ गए। खाने के बाद अम्मी ने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी। कड़छा चलने लगा। अम्मी पहले तो जगह जगह अपने मुरब्बे कायम करती रहीं, फिर बात का रुख मेरी तरफ मुड़ गया। सानिया इतनी सुगड़ है कि हद नहीं, बावर्ची खाने का हिसाब किताब बस सानिया ही जाने। जब सानिया चाटी को हाथ लगाती है तो मक्खन आप ही आप
पेड़ा बनकर उभर आता है। ओहो, तो ये बात है। सानिया को मक्खन का पेड़ा बनाकर चीनी की प्लेट में रखकर चौधरायन को पेश किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? ये भेद भी जल्द ही खुल गया। एक दिन चौधरी का बेटा अली अहमद मूछे लटकाए सामने आ बैठा और अम्मी उसके सामने बैठकर सानिया की गर्दान पढ़ने लगी। अली अहमद तो बिल्कुल ही पेंडू था। अम्मी की हर बात पर बेतकल्लफाना बोंडा कहकहा लगाता और फिर सर खुजाने लगता। उसे देखकर मैं तो लरज गई। या अल्लाह, क्या मेरा मुस्तकबिल कड़छा और कड़ाही के जोर पर ही बनेगा? शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली, कुछ ज्यादा ही सुन ली। अब्बा पर इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हो गई और उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई और इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके, लिहाजा हार्ट अटैक का शिकार हो गए। अम्मी बेचारी चार ही दिन में मुरझा कर रह गईं। सारा रंगो रोगन उड़ गया। नीचे से एक खूसट बुढ़िया निकल आई। ना वो कड़ाही रही, ना कड़छा, ना जलेबियाँ। अम्मी को सहारा देने के लिए मैंने एक दफ्तर में नौकरी कर ली। मैं भला नौकरी के लिए कहाँ मारी मारी फिरती। वो तो इत्तफाक से अनवर मिल गया। कहने लगा, हमारे दफ्तर में एक जगह खाली है, अगर चाहो तो आकर ज्वाइन कर लो। यूं घर बैठे बैठे खाम खा बोर हो रही हो। उसे हमारे हालात की खबर थी ना। यूं मुझे उसके तवस्त से नौकरी मिल गई। चार साल गुजर गए। शुरू शुरू में दफ्तर में मुश्किलात पेश आईं। कुछ लोगों ने समझा कि अकेली लड़की है, चलो किस्मत आजमाएं। कुछ ने आगे बढ़कर जलेबियाँ तलनी शुरू की, कुछ ने गुलाब जामुन की उम्मीद पर राल टपकाई। फिर उन्हें बात समझ में आ गई कि इधर खुश वक्ती नहीं चलने वाली, लिहाजा सब नॉर्मल हो गए। अनवर दूर से ही देखता रहा, ना शोरा शोरी, ना सर्द मोहरी, यूं जैसे मैं लड़की थी ही नहीं। लेकिन कभी कभार मुझे ऐसे लगता जैसे वो मुझे देख नहीं रहा, बल्कि निगाहों से तोल रहा है। कल शाम की बात है कि अनवर मेरे पास आया, बोला, सानिया फारग हो गया। क्यों? मैंने पूछा। बोला, जरा मेरे साथ चलो। कहाँ? एक काम है। वो उस कदर संजीदा था कि मजीद पूछने की हिम्मत ना पड़ी और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दफ्तर के पिछवाड़े के प्लाट में वो रुक गया। मैं हैरान, या अल्लाह, यहाँ क्या काम हो सकता है भला? बैठ जाओ, वो बोला। मैं पत्थर के बेंच पर बैठ गई। वो निगाहें झुकाए मेरे सामने खड़ा रहा। देर तक वो खामोश रहा, यूं जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पाता हो। आखिर वो बोला, देखो सानिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एक पुराना बुसीदा घर है, एक बूढ़ी माँ है। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि कामकाज करने के काबिल नहीं रही। वो रुक गया, देर तक रुका रहा, फिर बसद मुश्किल बोला, सानिया तुम मेरे साथ शादी करोगी? मैं तो हक्की बक्की रह गई। मेरे गिरदो पेश धुंधलका छा गया। फिर उस धुंधलके में अनवर की आवाज़ आई, सोच लो सानिया, सोच लो, अगर तुम्हें गवारा हो तो मुझे बता देना, मैं इंतज़ार करूँगा। फिर उस धुंधलके में से एक दिया उभरा, उभरता चला गया। मुझे नहीं पता मैं वहाँ कितनी देर बैठी रही, बस बैठी रही। मुझे ख्याल भी ना था कि अनवर शादी का पैगाम देगा। कल से मैं डोर के गुच्छे की तरह उलझी बैठी हूँ, कोई सिरा नहीं मिलता। जिंदगी भर मुझे तमन्ना रही कि कोई मुझसे सीधी और साफ बात करे, सच्ची बात करे, सच्ची बात होंठों से नहीं। जिंदगी भर मेरी ख्वाहिश रही कि मुझे चीनी की प्लेट में रखा हुआ गुलाब जामुन ना समझा जाए। लेकिन अब अनवर की बात सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। धुंधलका बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो मद्दम सा दिया। अम्मी से बात करूं, वो तो करनी ही पड़ेगी, करूंगी। अम्मी बेचारी क्या का क्या है, वो अम्मी तो रही ही नहीं, ना ताज रहा ना तख्त। बेचारी सारा दिन धूम में गाट खाट पर बैठी रहती है, किसी बात में दखल नहीं देती। मुंह पर यूं जुरियां पड़ गई हैं जैसे कोई बलोरी गुलदान रेजा रेजा हो जाए, लेकिन रेजे अलग ना हों, चिमटे रहें और ऐसा लगे कि हाथ लगाया तो गिरकर डेढ़ हो जाएंगे। मैं उठकर अम्मी के पास जाती हूँ। अम्मी जान चौंकती हैं, मेरी तरफ देखती हैं। अम्मी, हमारे दफ्तर का एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। अम्मी ये सुनकर बिल्कुल ही धुंधला जाती हैं। मुझसे? जी अम्मी। अम्मी हैरत से मेरी तरफ देखती है। अम्मी, उसका बाप फोत हो चुका है, माँ बहुत बूढ़ी है, उन्हें आ नहीं सकती।
इसलिए वो लड़का खुद ही आएगा। दफ़ातन अम्मी की आंख में चमक लहराती है। अच्छा चले, कोशिश करती हूँ कि शर्माऊँ नहीं। अम्मी वो लड़का पैगाम देना चाहता है। अम्मी का सारा चेहरा धमक उठता है, चेहरे की सलवटें सिमट कर नापैद हो जाती हैं, गर्दन खटक से उबरती है और वो यूं उठकर बैठ जाती हैं जैसे आज से 4 साल पहले की अम्मी हो। कौन है वो, अम्मी पूछती है। फिर करीब होकर जेरे लब कहती हैं, कितने मरब्बे हैं। मैं हक्की बक्की रह जाती हूँ। नहीं अम्मी, मेरे मुंह से निकल जाता है तो क्या कोई बड़ा अफसर है, वो पूछती हैं। अब मैं क्या जवाब दूँ, अफसर नहीं तो क्या कारोबार है, कारखानेदार है। मैं यूं खड़ी की खड़ी रह जाती हूँ जैसे पत्थर की बन गई हूँ। मुझे खामोश देखकर अम्मी कहती हैं, उसे कहना कल किसी वक्त मुझसे मिल ले, मैं कर लूँगी उससे बात। जब से मैंने अम्मी से बात की है उसकी तो काया पलट गई है। अपनी पुरानी जंगलूद कड़ाही में तेल नहीं, लेकिन वो यूं बैठी है जैसे जलेबियां तलने की मशक कर रही हो। उसे देखकर मेरे इर्द गिर्द का धुंधलका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वो दिया यूं जैसे उसका दम घुट रहा हो। मुझे उस दिए पर तरस आ जाता है और मैं खुद फूंक मारकर उसे बुझा देती हूँ ताकि खुद को महफूज कर लूँ।